बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट को फैसला सुनाने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया है। पहले सीबीआई कोर्ट को मामले में सुनवाई पूरी करने के लिए 31 अगस्त तक की मोहलत दी गई थी। बाबरी विध्वंस केस की सुनवाई कर रहे विशेष जज एसके यादव की रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने की समय सीमा एक महीना और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। बता दें कि इस केस में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत कुल 49 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें 17 की मौत हो चुकी है, जबकि अन्य 32 आरोपियों के बयान विशेष सीबीआई कोर्ट में दर्ज हो गए हैं। बालासाहेब ठाकरे और अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया भी इस केस में आरोपी थे। अन्य आरोपियों में साध्वी रितंभरा, रामविलास वेदांती, साक्षी महाराज, चंपत राय, महंत नित्य गोपाल दास शामिल हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद ढा दी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल थे। इन दोनों को भी बाबरी विध्वंस मामले में आरोपी बनाया गया था। दोनों नेता विशेष सीबीआई अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज करा चुके हैं। इसके अलावा यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, उमा भारती और विनय कटियार जैसे भाजपा के कई बड़े नेता भी बाबरी विध्वंस केस में आरोपी हैं। बता दें कि हिंदू पक्ष का दावा था कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मुगल शासक बाबर ने 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर बने रामलला के मंदिर को तोड़कर करवाई थी, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा था कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। वर्ष 1885 में पहली बार यह मामला अदालत में पहुंचा था। भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने 90 के दशक में राम रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर आंदोलन ने जोर पकड़ा। बता दें कि 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों ने बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया। तब से ही यह मामला कोर्ट में चल रहा था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए विवादित भूमि पर मंदिर निर्माण का आदेश दिया, जबकि मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही किसी महत्वपूर्ण स्थान पर 5 एकड़ जमीन मस्जिद निर्माण के लिए दी गई। सनमार्ग लाइव के लिए डेस्क की रिपोर्ट।